सो हे गाइस, वेलकम बैक टू। और देखो, डीयू की तरफ से कल दैट इज 17th of February को एक ऑफिशियल नोटिस आया है। एंड ये ऑफिशियल नोटिस है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए। तो आपके जो मार्च में एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए आपको एक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एंड फॉर नाउ दिस ऑफिशियल नोटिस इज ओनली फॉर रेगुलर एंड एनसी वेब स्टूडेंट्स, एस वेल के लिए अभी ये नहीं आया है, ठीक है ना। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं इस ऑफिशियल नोटिस पे, तो हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपके लिए एक ऑप्शन होगा प्लीज रीड डॉक्यूमेंट। तो इस पर क्लिक करने का आपका शो होगा कि यहाँ पर देखो ऑफिशियल डिटेल्स ये लिखी हुई है कि जो भी सारे यूजी पीजी और प्रोफेशनल कोर्स के सेमेस्टर वन के स्टूडेंट्स हैं जो अभी न्यूली एडमिटेड हुए हैं, उनको जो है यहाँ पे जिनके एग्जाम मार्च 2021 में होने वाले हैं, तो आपको एक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। एंड ये आप फिल कर सकते हो ओनली टिल 28th of February 2021, दैट इज सैटरडे शाम 5:30 बजे तक। तो उससे पहले ही आप अपने इस फॉर्म को फिल कर लेना। और ये नेक्स्ट है कि जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जो भी आपका कॉलेज है, जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दोगे तो उसके बाद जो आपका कॉलेज है और डिपार्टमेंट है वो 3 मार्च तक आपके जो फॉर्म को वेरीफाई और कंफर्म कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉपर लिंक दिए हुए हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे अपना फॉर्म फिल करना है। बहुत ही ईजी है। आपको जाना है यहाँ पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है आपका स्टूडेंट पोर्टल। यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले लिखी हुई है इंस्ट्रक्शंस भी, नोटिफिकेशन जो मैंने आपको दिखाई है वो है यहाँ पे। एंड ये कैसे फिल करना है वो आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बिफोर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म। तो इसमें यहाँ पे जो आपका स्टेप 1 है वो है यहाँ पे, न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट शुड रजिस्टर फ्रॉम द लिंक रजिस्टर न्यू स्टूडेंट। तो जो भी आप अभी जो हो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हो, जो अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो, तो आपको जो है रजिस्टर न्यू स्टूडेंट के टैब पे क्लिक करना है। एंड आपको रजिस्टर करना है, कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे। स्टूडेंट शुड फिल द कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड क्लिक द सबमिट बटन। तो आपको अपना पूरा जो फॉर्म है जो मैं आपको दिखाऊंगा उसको आपको पूरे को फिल करना है एंड आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। आफ्टर सबमिटिंग दी फॉर्म एडमिशन रेफरेंस नंबर विल बी जनरेटेड। जब आप अपने फॉर्म को सबमिट कर दोगे तो आपका एक एडमिशन रेफरेंस नंबर क्रिएट हो जाएगा। After the admission reference number is generated, students have to log in and fill his or her examination form by using admission reference number. तो जब आपका ये नंबर जनरेट हो जाएगा आपको लॉग इन करना है। एंड लॉग इन के टाइम पे आपको अपना जो है एग्जामिनेशन फॉर्म में ये रेफरेंस नंबर एंटर करना पड़ेगा, अपना नेम एंटर करना पड़ेगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी ईमेल आईडी, ठीक है ना। स्टेप 3 है यहाँ पे, बिफोर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म स्टूडेंट्स हैव टू रेफर द डेट शीट फॉर देयर पेपर कोड। तो मैंने आपको कहा था कि आपकी डेट शीट ऑलरेडी आई हुई है, इसके लिए वीडियो आई हुई है, आपने देख भी ली होगी वो वीडियो। अगर नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वो भी आप चेक कर लेना। एंड प्रॉपरली उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी डेट शीट में ही आपका जो पेपर होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, उसका पेपर कोड होगा, तो वो भी आपको वहां पे फिल करना होगा। तो अपनी जो है डेट शीट अपने साथ खोल के रखना। आफ्टर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म स्टूडेंट्स हैव टू क्लिक ऑन सबमिट एंड प्रिंट बटन। जब अपना आप फॉर्म फिल कर लो एग्जामिनेशन, तो आपको जो है सबमिट एंड प्रिंट बटन पे क्लिक करना है। एंड जो है एज सून एज स्टूडेंट्स क्लिक ऑन दिस बटन, फिल्ड टेंटेटिव एग्जाम form will be displayed. The student should get it printed or save a soft copy for further reference. जैसे ही आप submit and print पे क्लिक कर दोगे, आपका form fill हो चुका है। अब आप जो है या तो उसका screenshot लेके रख लो, या फिर better रहेगा कि आप अपना जो है एक print निकाल के अपने पास रख लो for future reference. Okay. Next यहाँ पे एक note दिया हुआ है, college department faculty will check and approve the tentative exam form generated by the portal after confirming that the examination fee is duly deposited by the student. तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है, कॉलेज है, वो आपके इस फॉर्म को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, कंफर्म करेंगे एंड देखेंगे कि आपकी जो फीस है वो ऑलरेडी पे हुई है ना। बिकॉज़ देखो यार, आप सबकी ऑलरेडी वैसे भी फीस के टाइम पे आपकी एग्जामिनेशन फीस भी चली गई होगी। After this, student's examination roll number will be generated. जब ये काम हो जाएगा तो आपका जो examination roll number जो आपको उस time पे आपके paper में लिखना होगा वो आपका generate हो जाएगा। Regarding payment of examination fee, ये आपका fees का तो आपका college और जो आपका department है वो ही आपको बताएंगे इस चीज के regarding। वैसे in most cases आपकी जो आपने fees pay कर दी admission time पे, उसी के साथ उन्होंने वो ले ली होगी आपकी examination fees। In my case यही हुआ था, मेरे केस में जो मेरा अभी थर्ड जो मेरा अभी फोर्थ सेमेस्टर का अभी मेरा जो एडमिशन हुआ है उस
सो बात करते हैं यहाँ पे कि आपको अपना ये फॉर्म फिल कैसे करना है। सबसे पहले आप एक न्यू स्टूडेंट हो तो आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, वो होगा रजिस्टर एज अ न्यू स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको ये टैब दिख रहा होगा रजिस्टर न्यू स्टूडेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे पहुंचोगे तो यहाँ पे आपको जो सबसे पहले अपना कॉलेज नेम, जिस भी कॉलेज में आप एनरोल्ड हो वो आपको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से चूज करना है। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू फिल ऑल दी पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा एज पर दी सर्टिफिकेट ऑफ 10th क्लास। तो आपका जो 10th क्लास सर्टिफिकेट है, जो भी डिटेल्स आपकी उस सर्टिफिकेट में, वो ही आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो कॉलेज नेम फिल करने का, यहाँ पे आपका एग्जाम टाइप पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको जो है, अगर आपका सेमेस्टर बेसिस ही होगा तो सेमेस्टर बेसिस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन एग्जाम फ्लैग को आपको ब्लैंक छोड़ना है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। कोर्स कोड, जो भी कोर्स आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो उसका कोड होता है, तो वो कोड यहाँ पे आपको मेंशन करना है। मतलब आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसमें से आपको चूज करना होगा। पार्ट, अगर आप देखो फर्स्ट ईयर में तो पार्ट वन आएगा यहाँ पे आपका, सेमेस्टर वन में हो तो सेमेस्टर वन चूज कर लेना है यहाँ पे। स्टूडेंट टाइप में यहाँ पे अगर आप रेगुलर हो तो रेगुलर, अगर आप एक्स स्टूडेंट हो जो ऑलरेडी पास ऑन कर चुके हो और आपको अपने एग्जाम देना है तो आपको एक्स स्टूडेंट करना है यहाँ पे। एंड जो भी हो रेगुलर ही होंगे मेनली, तो आप तो रेगुलर पे क्लिक करना है यहाँ पे। देन स्टूडेंट नेम में यहाँ पे आपको अपना नेम एंटर करना है, अपना फादर्स नेम एंटर करना है, अपना मदर्स नेम एंटर करना है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी, फादर्स नेम इन हिंदी, मदर्स नेम इन हिंदी। तो जो आपको यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम लिखना है। तो यहाँ पे देखो क्लिक हियर फॉर हिंदी ट्रांसलेशन, तो यहाँ पे आप क्लिक करके जो है अपना जो इंग्लिश नेम है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, मैं बात करें यहाँ पे कॉलेज रोल नंबर, तो यहाँ पे अगर अभी आपको नहीं मिला है कॉलेज का रोल नंबर, वैसे मिल गया होगा ऑलरेडी आपको कॉलेज का रोल नंबर, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे लिखा है प्लीज फिल नॉट एप्लीकेबल, तो अगर अगर आपको नहीं मिला है तो यहाँ पे आप NA कर सकते हो, वैसे अदरवाइज आप सबको मिल ही गया होगा। यहाँ पे आपको अपना कॉलेज का रोल नंबर एंटर कर देना है, अपना जेंडर, देन अपनी कैटेगरी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बहुत सही भरना, बिल्कुल यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे लिख देना, मोबाइल नंबर जो है आपका, व्हाट्सएप नंबर, बिकॉज कईयों का मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर अलग होता है, तो अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिख देना, मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना, ईमेल आईडी जो भी है आपकी रजिस्टर्ड, मैं बोलूंगा जो आपकी रजिस्टर्ड, जो आपकी कॉलेज में आपने दी है वो ही अपनी यहाँ पे मेंशन करना। इसके बाद ये सब चीजें करने के बाद सीधा आपको सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ये चीजें आप कर लोगे, आपको पता है एडमिशन रेफरेंस नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। तो इसके बाद आपको जाना है गो टू लॉगिन पेज यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको जो है अपना कॉलेज नेम, जो आपका नेम है जिसमें आप एनरोल्ड हो, वो कॉलेज नेम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। देन जो रेफरेंस नंबर आपका एडमिशन रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ होगा अपना ये वाला फॉर्म फिल करने के बाद, उस एडमिशन रेफरेंस नंबर को यहाँ पे आपको पुट करना है। देन अपना जो नेम है वो यहाँ पे एंटर कर दो, फिर डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर कर दो, और जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने डाली है वो यहाँ पे लिख दो और सबमिट कर दो। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे आप पहुंच जाओगे ऑफिशियली अपने जो एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने वाले पेज में। तो वहां पे आपको जो अपने सब्जेक्ट्स हैं वो चूज करने हैं, अपना जो पेपर कोड है वो एंटर करना है, और बहुत सिंपल होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है, बहुत इजीली आप अपना फॉर्म फिल कर लोगे। सीधा सबमिट एंड प्रिंट पे क्लिक करना है एंड आपका काम हो जाएगा। बस उसकी जो है प्रिंट निकाल के रख लो, या फिर जो है अपने पास एक स्क्रीनशॉट खींच के रख लो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ओके, तो ये चीज हो गई हमारी क्लियर। यहाँ पे आपको यही चीज करनी है, बस सिंपली आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। देखो यार शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों का, तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सक्सेस विद सन करो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, वो भी करो, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड हैव अ नाइस।